सिस्टम का मार झेल रहा है शासकीय प्राथमिक शाला देवसरा का बना यह स्कूल। 1972 में बना स्कूल आज जर्जर अवस्था में है और इस वजह से बच्चे एक ही क्लासरूम में पढ़ने को मजबूर है। नमस्कार, मैं हूं आपका पत्रकार शशि शेख इमरान। कैमरे के पीछे हैं लक्ष्मी शंकर। देखिए चूरा से यह बड़ी खबर। हमारा नया स्कूल चाह वो पुराना भवन में टूट टूट जाएगा, उसका डर तो सर हमें यहाँ नया भवन में पढ़ा रहे हैं। और अभी इतना जीर्ण शीर्ण स्थिति हो गया है कि बैठाने लायक नहीं है, कभी भी वो टूट सकता है। देखिए शिक्षा व्यवस्था की बदहाल तस्वीर को दिखाने हम छूरा विकास खंड के ग्राम पंचायत करचाली के अंतर्गत आने वाले शासकीय प्राथमिक शाला देवसरा पहुंचे हैं। देवसरा का ये भवन है जो इसकी स्थापना वर्ष की बात करें तो फरवरी 1972 में इस भवन का निर्माण हुआ था, तब से यहाँ स्कूल संचालित हो रहा है। ग्रामीण अंचल के जो बच्चे हैं वो यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन अब करें तो करें क्या। ये जो भवन आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से डिसमेंटल हो चुके होने की कगार पर है, यानी ये जर्जर हो गया है और इसे तोड़कर नए स्कूल भवन बनाने की ज़रूरत है। अब इस स्कूल को नया बनाने की मांग लगातार यहाँ के शिक्षक प्रधान पाठक कर रहे हैं। ये महोदय जी स्कूल 1972 का बना हुआ भवन है प्राथमिक शाला देवसरा, और अभी इतना जीर्ण शीर्ण स्थिति हो गया है कि बैठाने लायक नहीं है। हम इस सत्र से पूर्णतः तौर पे इस भवन को छोड़ करके प्रधान पाठक कक्ष और एक अतिरिक्त कक्ष है वहाँ 5 कक्षाओं का संचालन कर रहे हैं। प्रधान पाठक कक्ष में पहली और दूसरी का और एक बरामदा में तीसरी का और अतिरिक्त कक्ष के भीतर कमरे में चौथी और पाँचवीं का। और हमें पढ़ाई में बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, बच्चों के जो सही पढ़ाई नहीं करवा पा रहे हैं और बैठने की स्थिति हमारे यहाँ दर्ज संख्या 54 है और इस स्थिति में तो और बैठने की बड़ी दिक्कत है। जिला के अधिकारियों को है? जी जी, हमने आवेदन आपने SMC द्वारा भी आवेदन दिया गया है और विभागीय तौर पर प्रतिवर्ष और समय अनुसार मांगा जाता है तो दिया जाता है और वहाँ से अति जीर्ण शीर्ण की स्थिति पर भी एक आदेश जो है प्रसारित हुआ, जांच के लिए आएंगे करके, लेकिन अभी तक आए अभी तक के नहीं आए हैं। आपका नाम सर? गंगाराम नेताम, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला देवसरा। समय के साथ 1972 में बने यह स्कूल भवन जर्जर होते जा रहा है। अब यहाँ बच्चों को बैठा कर पढ़ाना यानी बहुत ही बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। इसी चीज को देखते हुए यहाँ के प्रधान पाठक ने इस स्कूल को छोड़कर इस प्रधान पाठक कक्ष में क्लास लगाना शुरू कर दिए हैं। देखिए कि यहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। और मैडम ये कौन सा क्लास है? देखिए ये पहली और दूसरी एक ही क्लासरूम में बैठ के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अब सोच सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा की क्या स्थिति है। एक ही क्लास में पहली और दूसरी, उसी तरह अगर आगे की बात करें तो ये देवसरा का अतिरिक्त कक्ष है और अतिरिक्त कक्ष में ये देखिए पहला मैं जैसे जाऊंगा कौन सा क्लास है, ये तीसरी क्लास है और एक दीवार के पीछे ये कौन सा क्लास है मैडम? अब देखिए एक ही कमरे में चौथी और पांचवी क्लास को पढ़ाया जा रहा है। मैडम विषय में कोई दिक्कत होता है क्या? क्या क्या दिक्कत होता है विषय में, एक साथ विषय कैसे क्या है? दोनों क्लास एक साथ है तो हम एक ही कक्षा का पढ़ा पाते हैं एक विषय। हाँ तो देखिए कि तकलीफें तो हैं और बच्चे क्या कह रहे हैं इसे भी देखिए। वो पुराना भवन में टूट टूट जाएगा, उसका डर तो सर हमें यहाँ नया भवन में पढ़ा रहे हैं। हमको नया स्कूल चाहिए। और स्कूल में टूट फूट हुआ थे तो हमारे स्कूल में सर है यहाँ पढ़ाते हमारा नया भवन में। देखिए प्रदेश के मुख्यमंत्री गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ को लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन नया छत्तीसगढ़ कैसे गढ़ेंगे जहां बच्चे एक ही कक्षा में एक ही क्लासरूम में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं।
जो भवन जर्जर स्थिति में है उसे तुड़वा कर नया बनाना चाहिए, लेकिन अब तक कोई सुन नहीं रहा है। प्रधान पाठक लगातार इसको लेकर वो प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, लेकिन आज भी कोई जवाब नहीं आया है। अब देखिए, गरियाबंद जिले में ही एक यही स्कूल नहीं है बल्कि बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो जर्जर अवस्था में है। कई जगह तो स्कूल भवन को तोड़वा दिया गया है, लेकिन आज भी वहां बच्चे अतिरिक्त कक्ष में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में उच्च शिक्षा, बेहतर शिक्षा की कल्पना हम कैसे कर सकते हैं जहां एक ही कक्ष में बैठकर बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे। बहरहाल ये तस्वीर छुरा से हम आपको दिखाए हैं। तमाम उच्च अधिकारी, यहाँ तक शिक्षा मंत्री भी इस व्यवस्था को देखे और यहाँ की समस्या को सुने, ताकि बच्चों को बेहतर सुविधा शिक्षा व्यवस्था में मिल सके। बहरहाल मुजानी शेख इमरान, मेरे कैमरामैन लक्ष्मी शंकर को दीजिए इजाजत। क्षेत्र खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क।